हूं विक्रांत गुप्ता, मदन जी स्टूडियो में है और सवाल यह है कि विराट कोहली को नजर किसकी लगी है? नजर किसकी लगी है उस विराट कोहली को जिसे दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज माना जा रहा है, जिसे दुनिया का सबसे तेज उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है। आप इन आंकड़ों को देखिए, आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि विराट भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं तो आपको आंकड़े निराश करने वाले हैं। औरों की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि विराट से बड़े रॉबिन उथप्पा, विराट से बड़े हैं मुरली विजय, विराट से बड़े हैं दिनेश कार्तिक, विराट से मीलो आगे हैं यूसुफ पठान। वो ऐसे कि स्ट्राइक रेट के मामले में विराट इनसे बहुत पीछे हैं। यकीन आए तो आईपीएल में भारतीय बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट देखिए और देखिए कि विराट कहां टिकते हैं। याद रखिए कि टी20 स्ट्राइक रेट का ही खेल है। धीमी बल्लेबाजी कर कोई रन ज्यादा बना सकता है, औसत बेहतर रख सकता है, मगर मैच नहीं जिता सकता। पूरे आईपीएल की लिस्ट में तो छोड़िए, अपने टीम की लिस्ट में भी वो तीसरे नंबर पर हैं। चार मैचों में बनाए हैं सिर्फ 123 रन। 109 का स्ट्राइक रेट तो आज तक वनडे के लिहाज से भी कम है। विराट की कप्तानी में आरसीबी की जीत प्रतिशत 50 से भी कम ही है, यानी जितने मैच वो जीते हैं उससे ज्यादा हारे हैं। कामयाबी के लिए क्या फॉर्मूला गढ़े जाए, उन्हें कैसे अमल में लाया जाए, वो समझ नहीं पा रहे। अब ऐसा तो नहीं सोचा था, आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले हैं मदन जी, क्योंकि स्ट्राइक रेट हम सब जानते हैं कि टी20 में स्ट्राइक रेट बड़ी चीज है, खासतौर से अगर आप पहले तीन में खेलते हैं। स्ट्राइक रेट के लिहाज से पूरी आईपीएल में बहुत पीछे हैं और इस आईपीएल में तो बहुत ही बुरा हाल है। तकरीबन रन बॉल 109-110 का स्ट्राइक रेट ज्यादा फॉर्म में नहीं है। नहीं देखिए, स्ट्रगल तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से आफ्टर द टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलियन टेस्ट मैच के बाद, वनडे सीरीज के बाद और अभी तक थोड़ा सा उनकी स्ट्रगल काफ़ी चल रही है। उन्होंने पहला 100 बनाया था वर्ल्ड कप में शुरू में, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि 2020 में भी यहाँ अगर उनकी स्ट्रगल चल रही है, बॉल बैट को लग रहा है पर जैसे है जाने जाते हैं, जैसे उनका स्टैंडर्ड है जो स्ट्रोक खेलते थे वो उनसे लग नहीं रहे, क्योंकि पिछले बॉल लग रहा है बल्ले में लेकिन जा नहीं रहा। नहीं जा नहीं रहा, जो क्लियर करता था, जैसे चौके छक्के लगाता था क्लियर करता था, वो नहीं लग रहे बड़े शॉट जो। तो उसकी वजह क्या आपको लगती है? क्योंकि आमतौर पर तो आप साल दर साल प्रोग्रेस करते हैं और विराट कोहली कम से कम हमने 50-50 में देखा है, ऐसा फॉर्मूला उनके पास होता था कि इनिंग के पहले 15 गेंद कैसे खेलने हैं, अगले 30 गेंद कैसे खेलने हैं और एक्सेलरेट कैसे करना है, वो फॉर्मूला तकरीबन हर पारी में दिखता था। 2020 में क्यों नहीं दिखता? नहीं देखिए, हो सकता है कि वो प्रेशर में हो, क्योंकि एक तो उनकी टीम अच्छी नहीं कर रही क्योंकि सारे मैच हारे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कैप्टन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है कैप्टन के ऊपर आता है। अगर आप देखिए गौतम गंभीर और बाकी कैप्टन देखिए वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और उनकी बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है, पर विराट कोहली जो है ये नहीं है कि वो खेलते अच्छे नहीं लग रहे या सिंगल डबल तो काफ़ी निकाल रहे हैं, पर वो मैच विनिंग जो विराट कोहली जिसको हम जानते हैं, किसी तरह का दबाव आपको दिख रहा है? क्योंकि ठीक है टीम भी नहीं जीत रही आपकी, आप चार मैच हार भी गए हैं, लेकिन कोई वजह इसकी आपको लगती है? क्योंकि वर्ल्ड कप में भी जो सेकंड हिस्सा था वर्ल्ड कप का, उसमें विराट कोहली बड़े सब्ड्यूड दिखे, क्या ये थकान हो गई है, क्या ज़्यादा क्रिकेट खेल ली है, ऐसी वजह तो नहीं है? देखिए कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि देखिए फटीग भी हो सकती है, क्योंकि जब आप कंटिन्यू क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका डिप जरूर आता है, ऐसा नहीं है कि पर डिप के इतना बड़ा प्लेयर डिप के बाद तो एक दो मैच का डिप आ सकता है, पर इतना बड़ा प्लेयर जो मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद वो एकदम बड़ी इनिंग खेलता है जो कि अभी तक इनसे खेली नहीं जा रही। और क्या है कि देखिए फ्रेंचाइज जो है जिन्होंने टीम में खरीदी है, जो टीम बनाई है या सब, इनका प्रेशर तो रहता ही रहता है, ऐसी नहीं है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड इतना आपने सेटअप किया हुआ है कि उसमें रन बनाना बड़ा जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के कप्तान हैं, आने वाले वक्त में आप वनडे क्रिकेट में भारत के कप्तान होंगे, 2020 में आप जो है वो भारत के कप्तान होंगे, लेकिन आज विराट कोहली क्या करेंगे, बल्ले के साथ विराट कोहली ने आज क्या करना है और कप्तान के तौर पर क्या करना है? क्योंकि एक तरफ बैंगलोर है जो इस साल बहुत साधारण क्रिकेट खेल रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान है जिसके पास फिर वही बात, नाम छोटे हैं लेकिन जो परफॉर्मेंस है उन खिलाड़ियों की वो बहुत ज्यादा बड़ी है। बेंगलोर ने जीता है बस एक मैच, राजस्थान ने हारा है बस एक मैच। 13 मैचों में 7 मैच राजस्थान ने जीते हैं, जबकि 6 में रॉयल चैलेंजर्स ने बाजी मारी है। वैसे इस सीजन में राजस्थान की कामयाबी का फॉर्मूला रहा है उनकी बड़ी साझेदारियां। 6 मैचों में वो 7 बार 50+ की साझेदारी कर चुके हैं, जबकि बेंगलोर को 4 मैचों में
बस एक साझेदारी नसीब हुई है। राजस्थान के इन चार स्टार बल्लेबाजों ने अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं, जबकि कोई कसर उसके गेंदबाजों ने भी नहीं छोड़ी है। वहीं बैंगलोर के ये सितारे अभी तक खुद को साबित नहीं कर पाए हैं। बैंगलोर टॉस जीता है, बैंगलोर पहले गेंदबाजी करेगा, वही फॉर्मूला। लेकिन क्या ये फॉर्मूला जो है सफल हो सकता है, सवाल ये है। क्योंकि बैंगलोर अगर कहीं आज हार गया तो मुंबई इंडियंस की तरह ये भी आहिस्ता आहिस्ता दौड़ से बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर जीतता है तो फिर वापसी हो सकती है। नहीं देखिए, वापसी हो सकती है और जीतना भी बड़ा जरूरी है, और मेरे को लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेहतरी होगी, क्योंकि एक तो स्टार्क आए हैं और एक देखिए एक बॉलर है। ये नहीं पता कि आज क्रिस गेल खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। हाँ, बार बैठे देखिए, क्रिस गेल का तो पता भी नहीं लगता कि अगर रन बनाएगा तो बहुत जल्दी बनाता है और तेज भी बनाता है, जो हमें सबको मालूम है। पर लास्ट मैच में जब क्रिस गेल खेले थे तो बड़े मुश्किलें आई थी उनके सामने और रन बना ही नहीं पा रहे थे। पर यह है कि अब टीम कम्बिनेशन का, और एक और बात है कि आरसीबी को डिविलियर को यूज़ ठीक करना चाहिए, क्योंकि डिविलियर्स के ऊपर थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं। हाँ, नंबर तीन या जैसे विराट कोहली आती है उसके साथ ही डिविलियर को आ जाना चाहिए, ताकि वो एक्चुअली उसको टाइम मिलना चाहिए। आपको ऊपर से जीतना है, नीचे आकर नहीं जीतना है, खासतौर से वो टीम जो कि इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। विराट कोहली का आज बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। मुझे लगता है जो मैच अभी शुरू होगा उसके आज के स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे विराट कोहली होंगे। जी हाँ, विराट कोहली करेंगे वापसी। लेकिन कल किस खिलाड़ी ने हम सबका दिल जीता था, कौन थे स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे? श्रेयस अय्यर वैसे ही मुंबई के खिलाड़ी हैं, लेकिन आईपीएल में ये दिल्ली डेयरडेविल्स से खेल रहे हैं और मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने कल 83 रन बनाए थे। मदन जी बहुत इंप्रेस थे, 56 रन उन्होंने बनाए थे और अपनी टेम्परामेंट का उन्होंने काफ़ी सबूत भी दिया। देखिए, बहुत टैलेंट है इसके लड़के में और इनको अब कैसे ये ग्रो करता है ये देखने वाली बात है। और उनकी टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने ऊपर इतनी ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका इस युवा खिलाड़ी को दिया है। अब कार्यक्रम का वो हिस्सा जिसका इंतजार आपको हर रोज होता है, बड़ा बेसब्री से होता है, क्योंकि दिल की धड़कनें तेज होती हैं कि क्या आज मुझे इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आईपीएल के दौरान आप जानते हैं कि आज तक पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, सवाल सुलझाओ स्टार की चाबी पाओ। स्टार क्या है? टीवीएस स्टार सिटी प्लस बाइक। आज का जो सवाल है वो ये है कि 2012 वर्ल्ड T20 में भारत ने एक रन से किस टीम को हराया था? सवाल ध्यान से देख लीजिए, क्या दक्षिण अफ्रीका को हराया था, या वो श्रीलंका था, या वो न्यूजीलैंड था? ये तीन विकल्प है आपके पास। इस बाइक को जीतने के लिए आपको 80 स्टार स्पेस देने के बाद ए बी या सी अपना विकल्प 5-2-4-2-4 पर SMS करना है। आपको कल शाम 5 बजे तक का वक्त है अपने जवाब भेजने का, और उसके बाद कल शाम 7:30 बजे हम विजेता का नाम का ऐलान करेंगे। कल का सवाल था कि मौजूदा वर्ल्ड T20 चैंपियन कौन सी थी? विकल्प थे वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इंग्लैंड। और सही जवाब आप जानते हैं, श्रीलंका, जिन्होंने भारत को हराया था पिछले साल बांग्लादेश में। और आज के लकी विनर जिन्हें टीवीएस स्टार सिटी प्लस बाइक मिलता है वो है फिरोज आलम, खलीलाबाद यूपी से। फिरोज आलम को बहुत बहुत मुबारकबाद, टीवीएस स्टार सिटी प्लस बाइक उन्हें मिलता है। लेकिन अगर अभी आपको ये बाइक नहीं मिला है तो आज का सवाल आपने देख लिया, फटाफट उसका जवाब भेजिए। मैं और मदन जी हाजिर होंगे एक बार फिर रात 11:30 बजे। इजाजत दीजिए।